दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी में मौजूद आर्मी कैंप पर हुए हमले को शायद ही कोई भूला होगा। आतंकियों ने सुबह तड़के अटैक किया था जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे दोस्तों, जिसके बाद इस हमले का बदला लेने के लिए हुई सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जवानों ने LOC में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसी सच्ची घटना पर आधारित उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आज रिलीज हो गई है दोस्तों, जिसमें विक्की कौशल अहम भूमिका में है। वहीं दोस्तों, फिल्म में यामी गौतम भी है, साथ ही अन्य कलाकारों ने भी अहम रोल निभाया है। दोस्तों आपको बता दें, जब जब देशभक्ति या फौजियों पर फिल्म बनी है उसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया और उसे काफी सराहा भी। दोस्तों चाहे बॉर्डर हो, LOC हो, परमाणु हो या फिर गाजी अटैक, हर फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। अब दोस्तों एक और नई फिल्म जो कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक है आज रिलीज हो चुकी है दोस्तों, जिसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है। अगर दोस्तों आप भी फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले मूवी का रिव्यू जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी का रिव्यू जानने से पहले कहानी पर नजर डालते हैं। दोस्तों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म की पूरी कहानी जापान फौजी विहान शेरगिल यानी कि दोस्तों विक्की कौशल के आजू बाजू ही घूमती है। उरी में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए LOC जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी प्लानिंग विहान को ही सौंपी जाती है। साथ दोस्तों विहान ही इस ऑपरेशन को लीड करता है। फिल्म में सस्पेंस जैसा तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, लेकिन इस रियल इंसिडेंट के क्लाइमेक्स से हम काफी वाकिफ है दोस्तों। लेकिन फिल्म के आखिर में एक सरप्राइज भी है जो देशभक्ति की फिल्मों के दीवाने के लिए ट्रीट साबित होगी। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं मूवी रिव्यू की। दोस्तों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी रिव्यू की बात करें तो यह एक देशभक्ति फिल्म है। लिया जाए दोस्तों इसके साउंड इफेक्ट से लेकर डायलॉग तक सब कुछ दमदार है, जो आपके भीतर मातृभूमि के प्रति आपके फर्ज को एक और जज्बा से भर देगा। दोस्तों फिल्म का पहला हाफ उरी हमले सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति को तैयार करने में है। वहीं दोस्तों सेकंड हाफ एक्शन से भरपूर है। फिल्म के एक्शन सीन भी कमाल के हैं और दोस्तों विक्की कौशल ने इस किरदार को बखूबी निभाया है। दोस्तों एक फौजी के रोल में वो बहुत ही खूब जच रहे हैं। लिया जाए एक्शन के शौकीनों के लिए ये फिल्म खास है। और दोस्तों इस फिल्म में यामी गौतम भी है, जिनकी एक्टिंग की भी काफी चर्चा है। दोस्तों फिल्म में उनके काम की सराहना भी हो रही है। फिल्म के गाने भी जोश भरते हैं। लिया जाए दोस्तों ये फिल्म जरूर देखी जा सकती है। रिलीज के बाद दोस्तों मूवी रिव्यू काफी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, जिससे इस फिल्म के अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीदें भी है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।